थैंक यू हो गया थैंक यू कल बैठ जाओ कौन करा दे आ रही है Actually, really good to see you. You hardly come to an event. How come you're here? Actually, मैं सच बोलूँ तो मुझे हॉरर मूवीज़ का बड़ा शौक़ है और जब मेरे पास ये प्रपोज़ल आया यू हैव टू कम हियर अपीयरेंस के लिए आना है और आपको हमारी मूवी को सपोर्ट करना है तो उसने जब बोला कि इट्स हॉरर मूवी तो मैंने कहा ओके आई विल कम क्या अच्छा लगा ट्रेलर के अंदर आपने देखा सी अच्छा था मुझे जो ट्रेलर मतलब थोड़ा है ना जो लाउडली होता है ना बड़ा मज़ा आता है मुझे अच्छा लगा ओके और क्या खास अच्छा लगा यू हैव सीन द सॉन्ग ऑफ द मूवी क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर के बारे में डायरेक्शन के बारे में जब हम पूरी मूवी देखते हैं तभी हमको पता चलता है लेकिन जो एक ट्रेलर के अंदर जो आपको एक बाउंस मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ओके बिग बॉस इज ऑलरेडी देयर ऑन एयर और कुछ हटके हो रहा है जोड़ियां आ रही हैं आई डोंट थिंक सो हटके हो रहा है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड मुझे अभी सच बोलूँ तो मुझे सीजन बिल्कुल समझ ही नहीं आया और जो भी मैं आई एम वेरी क्लियर कट पर्सन और मैंने पूरे कंटेस्टेंट को पूरा देखा तो जो एक बेंच मार्क जो एक सेट कर दिया सीजन बिग बॉस 11 ने आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ तक जैसे हम लोग फर्स्ट वीक में गए थे तो पहले दिन ही एक बवाल हो गया था पूरे घर में और पूरे मतलब इंडिया के अंदर बिग बॉस चलता था सो जब एक सेट हो जाता है मार्क को अप टू द मार्क मेरे हिसाब से आई एम सो सॉरी नहीं है शिल्पा कई बार बिग बॉस के घर में गई हैं अभी हाल फिलहाल में जी और कुछ उन्होंने जाके जज किया है कंटेस्टेंट क्या पॉसिबिलिटी है अर्शी भी वहाँ जाएं देखिए वो मेकर्स पहले सबके एक एक टाइमिंग सेट रहता है कि किसकी कब ज़रूरत पड़ सकती है उन लोगों के उस टाइम में वो बिग बॉस की विनर रही हैं तो उनको बुलाया गया कि चलिए आप जज कीजिए इवन हिना भी गई थी हितेन भी गए थे तो सबका अलग अलग एक टाइमिंग सेट किया रहता है मेकर्स की तरफ से और अर्शी खान तो जब जाएगी तब जब उसको यहाँ ले जाना पड़ेगा ओके प्लास्टिक सर्जरी जो उसमें कितना बिलीव करती हैं आप सी आई डोंट बिलीव इन प्लास्टिक सर्जरी लेकिन इंसान को अगर आपको खूबसूरत दिखना है और आपने चीज़ों को और इन्हेंस करना है तो आप कर सकते हैं You know, sometimes it also went wrong. कुछ गलत भी हो जाता है. How do you see that? You know, there are so many. कोयना मित्रा is example of it. देखिए प्लास्टिक सर्जरी आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिव मतलब ज़्यादा करेंगे कि आपको नोज को और शार्प दिखाना है अपने लिप्स को और ब्रॉड बड़ा दिखाना है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जो नयन तारा का जो मैं रोल कर रही हूँ वो सुपर नेचुरल पावर है जिसमें एक आत्मा जो है वो पूरे मल्होत्रा खानदान को बर्बाद करती है तो इसलिए बिल्कुल मैं अगर मुझे कोई अच्छी सी मूवी ऑफर हुई जिसमें भूत तो नहीं बनना है लेकिन लोगों को परेशान करना है अपनी अदाओं से अपने चीज़ों से तो मैं ज़रूर करूँगी ओके नंबर गेम टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगी क्या आपको क्या कहेंगी नंबर गेम जब जहन में आता है मुझे अच्छा लगा है टाइटल बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मूवी का क्या टाइटल है पब्लिक ये सोचती है कि क्या है क्या क्या है तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है पसंद आया मुझे पसंद आया नंबर गेम नंबर गेम इंडस्ट्री में भी बहुत चलता है जी व्हाट यू सपोर्ट दैट कि नंबर गेम चलना भी चाहिए कंपटीशन है और चाहे कितना भी कोई इंसान नंबर गेम खेल ले चाहे कितने भी गेम खेलते हैं खेल ले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है आखिरी सवाल अर्शी क्या आपने कहा कि आपकी एंटी हितेन आ गए हिना आ गए शिल्पा आ गई तो अर्शी क्या ऐसे मौके पे पहुंचेगी जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बवाल हो चुका होगा तब अर्शी की जरूरत अर्शी जब जाएगी जब उस शो को अर्शी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी इट मींस यू विल बी गोइंग टू द शो
वो भी सकता साहब क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे शाम को? देखिए सब नई टीम है, फ्रेश आइडियाज हैं, दिल में वलवले हैं, कुछ कर दिखाने का अरमान है, सभी नए होते हैं। इन्हें ज़रूरत है इस वक्त कि इन्हें शाबाशी दी जाए, इनकी पीठ थपथपाई जाए, इनके काम को सराहा जाए। एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आ निकलती है, तो हम इनके काम पर वाहवाही करने आए हैं। अच्छी फ्रेश नई टीम है, एक अच्छा एटमॉस्फियर क्रिएट किया है, अच्छा म्यूजिक है, फ्रेश एक्टर्स हैं, तो हम अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है नंबर गेम, और क्योंकि बॉलीवुड जो है वो नंबर गेम पर ही आधारित होता है, आज कौन नंबर वन है, फ्राइडे टू फ्राइडे नंबर बदलते रहते हैं, तो पूरा दारोमदार जो है वो नंबर गेम पर ही है। और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्राउड पुलिंग टाइटल है नंबर गेम। थैंक यू सो मच।